सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। बहुत खुशी है आज और थोड़ी नर्वसनेस भी है। कांग्रेस की सरकार रह चुकी है और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया। इन दिनों साबरमती रिपोर्ट फिल्म की काफी ज्यादा चर्चा है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में इस फिल्म को देखा। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी इस स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी ने इस फिल्म के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि यह फिल्म घटना के पीछे सच्चाई को उजागर करती है। साथ ही उन्होंने लिखा था कि नकली कहानी केवल सीमित समय तक ही चलती है। आपको मालूम हो कि पीएम मोदी के साथ साथ कई सारे नेता और कई सारे मंत्रियों ने ये स्पेशल स्क्रीनिंग पर फिल्म देखी और इन्हीं मंत्रियों में कंगना रनौत भी शामिल थी। बता दें कि कंगना रनौत ने एक टाइम पर विक्रांत मैसी की जमकर आलोचना की थी और उन्हें कॉकरोच तक बुलाया था, लेकिन इस बीच कंगना रनौत विक्रांत मैसी की फिल्म की तारीफ करती हुई दिखी। इस बीच उन्होंने क्या कुछ बताया है हम आपको वो सुनवाते हैं। एक एक अलग ही नर्वसनेस है, खुशी है एक्चुअली कि इन सब के साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, आज भी दोबारा कहना चाहूंगा देश की जनता से आपके माध्यम से कि प्लीज जाएं अपने सिनेमाघरों में, द साबरमती रिपोर्ट को देखें, अपना प्यार दें। और ये मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। मुझे बहुत खुशी हुई जब फिल्म साइन करी थी, तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को इतना सपोर्ट करेंगे। पहले उन्होंने थ्रू अ ट्वीट सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपने इतने मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी फिल्म देखी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो आई थिंक एज विक्रांत सेड, दिस इज अ हाई पॉइंट इन माय करियर एज वेल, एंड आई होप जैसे प्रधानमंत्री जी को भी अच्छी लगी और सारे मिनिस्टर्स को अच्छी लगी, आई होप आप सब जो ये देख रहे हैं प्लीज ये सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देखें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें। और बहुत खुशी है आज और थोड़ी नर्वसनेस भी है, लेकिन खुशी ज्यादा है। फिल्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और आप सब अपने परिवार के साथ जाके देखिए, क्योंकि एक हमारे देश का जो इतिहास है और कैसे ये जो हमारी जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया और एक दूसरे के साथ में मिलके किस तरह से जो लोगों की जान गई, उनकी जो है एक तरह से चिताओं की आग पे जिसे कहते राजनीतिक रोटियां सेकी गई, तो ये सब देखने को मिलता, दुख होता है। और आज हमें अच्छा लगता है कि कलाकारों को इतना ये फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो फिल्म बना सकते हैं।